नमस्कार दोस्तों, सराधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सन 2024 के मार्च महीने में भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बन रहा है। जब किसी के घर पे नई संतान आने वाली होती है तो उसकी इच्छा होती है कि हमारी जो नई संतान हो उसकी कुंडली में बढ़िया से बढ़िया राजयोग हो, उसकी कुंडली में मूल दोष ना हो, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष ना हो, उसकी कुंडली में आयु से संबंधित कोई समस्या ना हो, विवाह, शिक्षा, कैरियर ये सब काफी शुभ हो। और वर्तमान समय में ऑपरेशन के नाते कई बार ऐसा मौका मिलता है कि आप डॉक्टर से समय को लेकर बात कर पाते हैं कि इस समय पर हमारे बच्चे का ऑपरेशन कराएं। तो आपको जब ये अवसर मिले कि आप समय का निर्धारण कर सके तो आपके लिए हमारी यह वीडियो सहायक होगी। मार्च 2024 में कौन से नंबर के साथ कौन सा भाग्यांक निकल रहा है इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसके पीछे हमने वीडियो बनाई है कि मार्च 2024 में मूल दोष कब कब लग रहा है। और विषयों पे चर्चा कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है कि कुंडली में कौन सा राजयोग किस समय से किस समय तक है। अधिक से अधिक जानकारी जो वीडियो के माध्यम से हम आपको दे सकते हैं उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होंगे जिनका एक मूलांक होगा, इस एक मूलांक के साथ भाग्यांक की अगर बात करें तो 3 बनता है। यह कॉम्बिनेशन शुभ माना जाएगा। गुरु अर्थात बृहस्पति और सूर्य का संबंध बनेगा जिसको कहा जाएगा कि राजा और मंत्री का संयोग कहा जाएगा। तेज और विवेक का संबंध कहा जाएगा, यह न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक शुभ संयोग वाला माना जाएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 अर्थात चंद्रमा, जो किसी भी महीने की या मार्च महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा होते हैं होंगे, उन सबका 2 मूलांक बनेगा। 2 मूलांक अर्थात चंद्रमा। और जब हम भाग्यांक की बात करेंगे तो भाग्यांक 4 बनेगा। यह कॉम्बिनेशन राहु और चंद्रमा के संयोग वाला कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को न्यूमरोलॉजिकली शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा जब राहु के साथ आता है तो मानसिक पीड़ा और बेचैनी देखी जाती है। कई बार बीमारी, चोट चपेट या इन्फेक्शन, एलर्जी होने का चांस भी बन जाता है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। जो लोग 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा होंगे उन सब लोगों का 3 मूलांक बनेगा। 3 मूलांक के साथ भाग्यांक की अगर बात की जाए तो भाग्यांक 5 बनेगा। बृहस्पति और बुध का यह कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन श्रेष्ठता में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बृहस्पति और बुध के बीच में एक वैचारिक मतभेद बना रहता है। इस कारण से इस कॉम्बिनेशन को अपनाया जा सकता है, लेकिन अगर इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिले तो उसका चयन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की। जो मार्च महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा होंगे उन सबका 4 नंबर अर्थात राहु मूलांक होगा। भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाएगा तो राहु और शुक्र का संयोग होगा, अर्थात 6 नंबर इनका भाग्यांक होगा। राहु और शुक्र का यह संबंध भौतिक जगत से काफी अच्छा जाना जाता है, लेकिन वहीं पर शिक्षा, मन की चंचलता को लेकर थोड़ा सा इसमें दिक्कत देखी जा सकती है। अब बात करते हैं 5 नंबर। जो लोग 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होंगे उनका 5 मूलांक होगा। 5 के मूलांक का स्वामी जो है बुध होगा। मूलांक और भाग्यांक की अगर बात की जाए तो 5 के साथ जो संयोग बन रहा है वो 7 का बन रहा है, केतु का। तो बुध और केतु के संयोग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, कैलकुलेशन या ज्योतिष जैसे विषयों के अध्ययन के लिए या रिसर्च के लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए भौतिक सुख सुविधा के लिए तो यह नंबर थोड़ा सा कम अच्छा होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर अर्थात जो 6,
15 या 24 तारीख को पैदा होंगे उन लोगों का 6 मूलांक होगा। भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 8 बनता है। शुक्र और शनि का यह संयोग ज्योतिष में काफी शुभ माना जाता है। लग परिसरी का मानना है कि शुक्र और शनि एक दूसरे से मिले तो एक बेहतरीन राजयोग बनता है। ऐसे लोग अपने कार्य में निष्ठावान होते हैं। जीवन में चीजें थोड़ी स्लो प्राप्त होती हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, तो न्यूमरोलॉजिकली यह अंक काफी अच्छा होगा। अब बात करते हैं 7 की। जो लोग 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होंगे उनका 7 मूलांक होगा। 7 का स्वामी केतु के पास है। 7 के अंक की अगर बात की जाए तो 7 का 9 नंबर के साथ भाग्यांक संबंध मार्च 2024 में बन रहा है। इसे केतु और मंगल का अंक कहा जाएगा। कोशिश करें अगर आपके पास जरा सा भी मौका हो तो इस अंक को बिल्कुल स्वीकार न करें। जीवन में चोट चपेट और पीड़ा को प्रदान करने वाला यह अंक रहेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर। जो लोग 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होंगे उनका 8 होगा और इसका स्वामित्व शनि के पास है। टोटल जोड़ने के बाद जो भाग्यांक प्राप्त होगा वह 1 होगा। सूर्य और शनि का यह संयोग ज्योतिष की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जीवन में वैचारिक मतभेद, पिता के सुख में थोड़ी सी समस्या देखी जाएगी, बॉस या नौकरी या कर्म में भी थोड़ी पीड़ा रहेगी। तो इस अंक को अगर आप बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाने की कोशिश करें। सबसे अंतिम अंक की बात करते हैं 9 नंबर। 9 उन लोगों का होगा जो लोग 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होंगे, उन सब लोगों का 9 नंबर होगा। 9 नंबर को मंगल से गवर्न माना जाता है। भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाएगा तो 2 नंबर बनेगा, अर्थात मंगल और चंद्रमा का संयोग बनेगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह संयोग ठीक कहा जाएगा, इसको खराब नहीं कहा जाएगा, शुभ कहा जाएगा। और थोड़ा सा मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी पीड़ा रह सकती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक स्थिति से यह नंबर पीछे के कुछ अंकों से तो काफी बेहतर होगा। तो मित्रों, अगर आपको अपने बच्चे के लिए डेट, टाइम या कुंडली का बेस्ट समय जिसमें राजयोग, शुभ मूलांक या भाग्यांक हो, इन सभी विषयों को लिए जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। कुंडली बनवानी हो या वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, तब भी आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, सिराधे।